वेलकम टू नव क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक बेल है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड हो और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर हम समझें तो जो मेन अगर हम समझें हायर एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है सेंटर। सेंटर कोऑर्डिनेट करती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन की तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्कूल की, स्टेट की। जिस भी स्टेट के अंडर वो स्कूल्स आ रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो की मैनेजिंग एजेंसीज़ के अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी है, ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये सब एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं के थ्रू सारा वर्क होता है, जैसे कि UGC वगैरह सब इन्हीं के थ्रू होता है। अगर आप भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वेबसाइट जाके देखें तो उसके अंदर बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो मैंने आज भी यहाँ पे कंपाइल की है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर UGC की वेबसाइट और MHRD की वेबसाइट से ली गई है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको हम CAEB भी बोलेंगे, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, UGC हमें पता है, AICTE, MCI, ये सब रेगुलेट करते हैं। और पॉलिसी कौन बनाता है, ये सब जो अभी हम समझ चुके हैं, और इनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है UGC की और इन सब की, CSIR, स्टेट रेगुलेटर्स। फिर इनका एक्रेडिएशन, एक्रेडिएशन क्या होता है इसको समझो, ये एक्रेडिएशन होता है अगर कोई डिग्रीज प्रोवाइड करनी है, कुछ भी आगे प्रोवाइड करना है, हेल्प देनी है, तो एक्रेडिएशन होता है। तो ये करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो नेशनल लेवल पे हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी बना देते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं ग्रांट्स यानी कि मनी, फाइनेंस UGC को, ताकि वो आगे सारा यूनिवर्सिटीज़ के जो काम है वो अच्छे से कर सकें। इस्टेब्लिश करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन कंट्री। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ये कौन करता है इस्टेब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल है इनकी कि वो डिक्लेयर करे एजुकेशन रिकमेंडेशन पे UGC की। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं हम, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है काउंसिल्स को और एडवाइजरी बोर्ड को सेटअप करती हैं ताकि वो प्रोवाइड करें जो भी गाइडलाइंस है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की स्टेट में, ठीक है। तो स्टेट काउंसिल जो है हायर एजुकेशन के लिए वो कोऑर्डिनेट करती हैं गवर्नमेंट के रोल्स के साथ और एपेक्स रेगुलेटरी एजेंसीज, जो उच्च शिक्षा रेगुलेटरी एजेंसीज है हायर एजुकेशन में उसी स्टेट के अंदर, उनके साथ और गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ रूल्स वगैरह भी बताती हैं, गाइडलाइंस देती हैं और कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो उनको टैकल करने के भी साथ हेल्प करते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया यहाँ पर, CAEB की फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आई है तो आपको मिल गई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये सेटअप हुए थे कोऑर्डिनेट करने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए यूनियन और स्टेट्स में इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसी भी बनाते हैं। अब इनका मेन पार्ट कहाँ था, यूनियंस जो हैं उनको और स्टेट में आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन करने का मेन पार्ट किसका है, CAEB का। अब अपेक्स लेवल बॉडीज़ कौन सी होती है, जो हमने अभी समझी थी, जो स्टेट गवर्नमेंट इनके साथ मिलकर अपना पॉलिसीज बनाती हैं, ये हैं, ये 8 अपेक्स लेवल बॉडीज़ हैं जो इनको बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, रिसर्च काउंसिल्स जो रिसर्च करती हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च वगैरह का काम करते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, दिस बॉडी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू, इनको किस में डिवाइड किया गया, एक तो रेगुलेटरी बॉडी जो कि रेगुलेट करते हैं, दूसरा रिसर्च काउंसिल जो कि रिसर्च करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में और इनकी रिसर्च की वजह से आगे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हायर एजुकेशन के सिस्टम में। रेगुलेटरी बॉडीज़ की अगर हम बात करें, ये 3 टाइप की हैं, ये किसके अंदर आई थी, अपेक्स लेवल बॉडीज़ के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज़ आई थी,
इसका पहला है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूजीसी, हम सबको पता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, AICTE, ये अगर फुल फॉर्म आ गई तो बता दोगे, एंड काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि रेगुलेट करते हैं किसको, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन में आ गया तो वो कौन कौन है, ये तीनों हैं। अब बात आती है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की, कि ये क्या है, ये गवर्न करती है इंडिया में, टू कम इन एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी बनी थी, और ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इसको किसने बनाया था, पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट का एक एक्ट था 1956 में, तब ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। अगर आपको पूछा जाए कि कब एग्जिस्ट हुई थी, कब फॉर्म हुई थी, बनी थी, तो वो होगा 1953 वाला, और कब ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये बनी पार्लियामेंट के एक्ट से 1956 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अब सेक्शन 12 के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, इसको ढंग से याद कर लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ यूजीसी एक्ट, मेन फंक्शन है यूजीसी का कि कोऑर्डिनेट करे और देखे, डिटरमिन करे, एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज, कि यूनिवर्सिटीज में क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उन सबको कोऑर्डिनेट करना है, पता लगाना है, बताना है और उनको मेंटेन करना है। ये इट ऑल्सो डिसबर्स फंड विद इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम के लिए। इट ओनली एक्ट एज कमेंडेटरी बॉडी सिंस इट डज नॉट हैव एनी पावर टू इस्टेब्लिश और डी रिकॉग्नाइज एनी यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ एक कमांड देने वाला ही बॉडी है, कौन, यूजीसी, और इसके यूजीसी के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी यूनिवर्सिटी को फॉर्म करे, इस्टेब्लिश कर दे, या फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, दोबारा से डी रिकॉग्नाइज कर दे किसी भी यूनिवर्सिटी को, वो क्या करती है, कमांड देती है। यूजीसी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, यूजीसी में कौन कौन आते हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, और 10 अदर री मेंबर्स है, जो कि अपॉइंट करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्रेटरी इन एग्जीक्यूटिव हेड, इट फंक्शनल फ्रॉम न्यू दिल्ली, इसका मेन काम कहाँ से है, न्यू दिल्ली से, और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज से, और 6 रीजनल ऑफिसेज कहाँ है, बेंगलोर में, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे। तो ये मैंने डाटा लिया यूजीसी की वेबसाइट से, कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को परस्यू करे, बनाए, नेशनल पॉलिसी बनाए, 1986 में ये ऑब्जेक्टिव आया। फिर यूजीसी डिसेंट्रलाइज करती है इसका काम, कैसे, उन्होंने 7 रीजनल ऑफिसेज बनाए। अगर आप समझना चाहते हैं तो फॉलोइंग स्कीम इम्प्लीमेंट की गई रीजनल ऑफिसेज से, और ये स्कीम कौन सी थी, ये डेवलप करते थे कॉलेज, अफिलिएट करते थे टू स्टेट यूनिवर्सिटीज़, कि उनको बताते थे कि ये वाले कॉलेजेस हैं और ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं किसके लिए, कॉलेज टीचर्स के लिए, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, सेमिनार, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंस वगैरह अरेंज होता है, ये कौन करता है, रीजनल ऑफिसेज के इंस्ट्रक्शंस, और उस पर कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेंस हॉस्टल, स्पेशल स्कीम निकाली इन्होंने कि ये कंस्ट्रक्ट करेंगे वुमेंस के लिए हॉस्टल। अवार्ड ऑफ टीचर फेलोशिप, ये क्या बात कर रहे हैं हम, जो टीचर्स की फेलोशिप का अवार्ड जो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ में मिलता है, जेआरएफ में मिलता है, तो वो क्या होता है, अवार्ड ऑफ टीचर फेलोशिप, ये कौन देता है, ये यूजीसी के अंडर रीजनल ऑफिसेस के थ्रू मिलता है टीचर्स के लिए, कॉलेज टीचर्स फॉर डूइंग, ताकि वो एमफिल कर सकें और पीएचडी कर सकें। अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है, होपफुली सबको मिल जाए, अब तो फिर आपको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, और वो होगा अराउंड 35,000 रुपीज़ का, जिससे आप रिसर्च वर्क कर सकते हो एमफिल या पीएचडी में। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, जो कि विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ऐसा कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, कौन, रीजनल ऑफिसेस। डिटेल कौन कौन सी है अगर हम समझना चाहें रीजनल ऑफिसेस की, तो ये देख सकते हैं, एक तो साउदर्न ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है सैरो, ये है हैदराबाद में, ठीक है, और इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 94 में, और इनके अंडर कौन कौन से, कितने कॉलेजेस आते हैं, 668, और ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करते हैं, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी,
अंडमान एंड निकोबार तमिलनाडु. वेस्टर्न रीजनल ऑफिस है WRO, इनकी लोकेशन है पुणे में और ये भी 94 में, देखो दोनों 94 में इस्टेब्लिश हुए थे. टोटल नंबर इसमें आते हैं 996, अगर याद करना है तो 1000 से सिर्फ 4 कम. और ये कौन कौन से स्टेट्स कवर करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव. फिर सेंट्रल रीजनल ऑफिस है, ये है भोपाल में और ये भी 94 में इस्टेब्लिश हुआ था, सेम 94 याद हो गया सबको. फिर 791 कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर और ये है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कॉलेजेस के लिए. फिर है नॉर्दर्न रीजनल कॉलेज ब्यूरो NRCB, इसकी लोकेशन कहाँ है, दिल्ली में, सबसे इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये दिल्ली में है. टोटल 922 कवर होते हैं इसमें और इसकी अगर हम समझें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. नॉर्थ ईस्ट रीजनल ऑफिस, सबसे पहले हमने कौन समझा था, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, ये है गुवाहाटी में, नेहरू भी बोल सकते हैं इसको और इस ये इस्टेब्लिश हुआ था 94 में. अब ये वाला 94 आ गया यहाँ पर और इसमें कवर्ड है कॉलेजेस 253, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड के कॉलेजेस. ईस्टर्न रीजनल ऑफिस ERO कोलकाता में है क्योंकि ये ईस्ट साइड में है, इससे याद हो जाएगा. और इस्टेब्लिश हुआ था 96 में, इससे पहले वाला 95, अब 96 हो गया. टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस में आते हैं सबसे ज़्यादा कितने हो गए, 1009. ठीक है, स्टेट है वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, सिक्किम. साउथ वेस्टर्न रीजनल ऑफिस आया, ये है SWRO और ये सबसे बाद वाला है जैसे कि 1999. इसकी लोकेशन है बेंगलोर में और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पता चल गया. टोटल कॉलेज है 714. स्टेट्स कवर है केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप. ठीक है, तो ये 7 है रीजनल ऑफिसेस. UGC ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स वेरियस स्कीम, बहुत सारी स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं जिनका एम क्या होता है कि हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाए. जैसे कि यूनिवर्सिटीज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस, कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस, यूनिवर्सिटीज़ आया पहले फिर कॉलेज, सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस एंड पर्टिकुलर एरिया, CPEPA. स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, BSR रिसर्च वर्क है ये. अब अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, क्वेश्चन आ सकता है. UGC के फर्स्ट चेयरमैन CD देशमुख थे. कैटेगराइजेशन क्या है यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटी सेटअप होती है सिर्फ लेजिस्लेशन से और डीम्ड रूट से. कौन कौन से दो रूट है, एक तो लेजिस्लेशन से यानी कि कानून के द्वारा, दूसरा डीम्ड रूट. तो एट प्रेजेंट आज की डेट में मेन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन की, तो मेन कॉलेज कैटेगरीज जो है यूनिवर्सिटीज़ की वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस है. यहाँ पर इनको समझते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है इस्टेब्लिश होती है और इनकॉर्पोरेट होती है किसके द्वारा, सेंट्रल एक्ट, द पार्लियामेंट एक्ट. फिर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय प्रोविंशियल एक्ट, जो प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा बनती है या फिर स्टेट एक्ट के द्वारा बनती है, ये दो एक्ट हैं तो वो कहलाएंगी स्टेट यूनिवर्सिटीज़. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती है, जो कि इस्टेब्लिश हुई है स्टेट या फिर सेंट्रल एक्ट के द्वारा, ये या तो स्टेट या तो सेंट्रल एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश हुई है बाय स्पॉन्सरिंग बॉडी, जैसे कि कोई सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट की है, इस्टेब्लिश की है, तो वो हो गई आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, किसी सोसाइटी के अंदर आ गई है या फिर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ बना दिया उस कुछ टाइम के लिए और वो स्टेट और पब्लिक ट्रस्ट के लिए बनाया गया. तो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर एक कंपनीज एक्ट के अंडर ये यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं तो वो कौन सी होंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, एक इंस्टीट्यूशन जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ कहलाएगा उसको बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़. इसको कहते हैं हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, जो कि डिक्लेयर करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट. इनका सेक्शन है 3, यूनिवर्सिटीज़ ग्रैंड कमीशन 1956, UGC एक्ट के अंदर ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं. ठीक है,
और इसको डिक्लेयर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है. इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होते हैं पार्लियामेंट एक्ट के अंदर और इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है. इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट लेजिस्लेशन. स्टेट लेजिस्लेशन मतलब एक इंस्टीट्यूशन या जो कि स्टेट लेजिस्लेशन एक्ट के अंदर बना है उसको बोल देंगे कि वो उसमें इस्टेब्लिश हुआ है. यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं आज की डेट में, ये लेटेस्ट डाटा हमने लिया है यूजीसी की वेबसाइट से और एमएचआरडी की वेबसाइट से. तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कंट्री के अंदर अगर हम देखें 29 जून 2017 को ये डाटा अपडेट किया गया है वेबसाइट पे, तो ये इनका आता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 365 है. डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो गई है 122, इनको हम समझेंगे डिटेल में. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 47 हो गई हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 269, टोटल हो गई 803. स्टेट वाइज लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी और उसकी पीडीएफ का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है तो ये देख सकते हैं. स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 363 है और यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की लिस्ट जो है वो जारी हुई है 29 जून 2017 के अकॉर्डिंग. ये डाटा है, उससे पुराना वाला अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो पुराना वाला होगा, लेकिन लेटेस्ट डाटा आपके सामने यही है जो 29/6/2017 को अपडेट हुआ था. लिस्ट में इंक्लूड है सीरियल नंबर कितने, 365, लेकिन असलियत में अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हम देखें तो 363 है. क्यों? क्योंकि जो कर्नाटका की फोकलोर यूनिवर्सिटी है इसको वो दो बार लिखा है उस लिस्ट में, एक बार उसका नाम इस नंबर पे लिखा है और दूसरी बार इस नंबर पे लिखा है, तो यहाँ पे इस वजह से ये दो यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके से, जैसे ये भीमराव अम्बेडकर भी दो बार लिखा है, इसको करेक्ट करके सही अगर हम देखें तो इसकी लिस्ट में सही यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल की 363 बनती हैं. लिस्ट में नंबर गिवन है इतने, ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस अकॉर्डिंग देख लेना. यूजीसी की जो वेबसाइट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर इस लिस्ट में उसमें वेबसाइट में कुछ चेंजेस हुए तो वो भी मैं यहीं इसी नोट्स में बाद में कंपाइल कर दूंगी, तो आप ये नोट्स लास्ट में ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है. तो अभी तो डाटा ये लिस्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ विच आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 12B, जो कि 12B के अंडर इंक्लूडेड है यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, UGC के एक्ट में, वो एलिजिबल है सेंट्रल असिस्टेंस लेने के, ठीक है. तो उसकी लिस्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये सेक्शन 12B में थोड़ी सी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं. डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है 125 है और इसका डाटा है 9 फरवरी को अपडेटेड है UGC की लिस्ट में. तो UGC लिस्ट में डीम यूनिवर्सिटीज़ 122 दिखाई गई हैं और तो आप 122 ही समझेंगे क्योंकि ये लिस्ट में 122 दिखाई गई है, ठीक है. तो UGC की जो लिस्ट है उसमें शियाट्स भी इंक्लूडेड है, अगर आप देखें तो इसको बाद में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अपग्रेड कर दिया गया था, ठीक है. तो अगर आप शियाट्स को भी इंक्लूड करेंगे तो इस लिस्ट में टोटल 122 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मानी गई हैं, ठीक है. अगर हम इसको हटा देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया यहाँ से फिर बाद में इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी गिन लिया इसको, किसको, पहले इसको डीम यूनिवर्सिटी माना था फिर उसके बाद स्टेट मान लिया, इसलिए अगर हम इसको हटाएंगे तो 121 हो जाएगा. लेकिन आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ याद रख लो, बस 122 है लिस्ट के अंदर गिवन, तो हम 122 ही याद रखेंगे, ठीक है. डीम यूनिवर्सिटीज़ एक इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन का, जो कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी में, ठीक है. ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं डीम्ड वाली, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसकी एडवाइस पे, UGC की एडवाइस पे, कि वो उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ बना चाहती हैं. असलियत में ये क्या होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती. इंस्टीट्यूशन जो होती हैं ये एकेडमिक स्टेटस और प्रिविलेजेस इनको मिलती हैं, जो जैसे यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं सेम वैसे ही ये डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ भी काम करती हैं. तो इनका जो इंस्टीट्यूशन है वो एक्सपैंड हो गया है हायर एजुकेशन लेवल पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारा अलग अलग डिसिप्लिन को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन, फिशरीज एजुकेशन, लैंग्वेज, सोशल साइंस, पॉपुलर साइंस, ये सब आप यहाँ से पढ़ लो, योगा एंड ऑल.
नॉट एक बार समझ लो कि जितनी भी डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, वो डिग्रियां दे सकती हैं. असलियत में ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरह काम करती हैं स्पेशल एरिया में. ले और ये डिग्रीज देती हैं, कैन अवार्ड डिग्रीज फॉर कोर्सेज, जितने भी कोर्स उनके अंडर करवाए जाते हैं उसको, उसके लिए डिग्रीज देती हैं. ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ स्टेटस ऑफ दैम कोर्स अलाइड टू प्रूव कोर्सेज, डीम यूनिवर्सिटीज डिग्री कंटिनेंटल और जनरल डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर भी दे सकती हैं, जैसे कि बीए बीकॉम, इसमें भी डिग्रीज वो दे सकती हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. कुछ लोग कहते हैं ये डिग्री नहीं दे सकती, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो आप क्या कहोगे, यस वो डिग्रीज देती हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, 269, और ये अप्रूव किस कौन करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी अप्रूव करती है और ये डिग्रीज दे सकती हैं. इसका मतलब अभी तक हमने जितनी भी समझी वो डिग्रीज ग्रांट कर सकती हैं, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू हैव ऑफ कैंपस अफिलिएटेड कॉलेजेस. लेकिन इनके ऑफ कैंपस अफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं होने चाहिए, इसके लिए ये अलाउड नहीं है. ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. यूजीसी लिस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की 29 जून 2017 की अगर हम बात करें, अपडेटेड डाटा है, 269 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है हमारे इंडिया में. फोर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़, टोटल 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर अगर हम समझे तो. अगर पूरा को कैलकुलेट करते हैं तो 803 आ जाती हैं. फोर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है और 29 स्टेट्स आपको पता है, तेलंगाना भी आ गया है अब इंडिया में, एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज में भी. ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, पुंडचेरी, द स्टेट विद मोस्ट यूनिवर्सिटीज़. यहाँ पे आपका करंट अफेयर आया, इसको अच्छे से समझो. जो इसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है वो कौन है, राजस्थान. और सबसे ज़्यादा कितनी यूनिवर्सिटीज़ है इसमें, 74. तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है. यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ मिला के सबसे ज़्यादा किस में है, राजस्थान में. डीम्ड की बात करोगे तो वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और इनका नंबर कितने हैं, 28 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं. गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट, ये भी 28 ईच, दोनों में 28 और 28 है. 28 गुजरात में है, 28 उत्तर प्रदेश में. तो ये 28 तो आपको याद हो चुका क्योंकि तीनों जगह है. ठीक है, और एक है ये 74 जो कि राजस्थान में है. ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखना चाहते हो स्टेट वाइज, सेंट्रल कितनी है, स्टेट कितनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो ये डाटा आपको मेरे ब्लॉग से मिल जाएगा. स्टेट वाइज पूरी 29 स्टेट्स का यहाँ पर गिवन है. तेलंगाना भी आ गया है यहाँ पर. तो लिस्ट के अकॉर्डिंग 29 जून को ये जो जारी हुई थी, ये 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं. ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, ये यूनियन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इसको यूनियन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं. एग्ज़ाम में आ गया तो कर लोगे. ये कौन करता है, पार्लियामेंट का एक्ट इस्टेब्लिश करता है, परव्यू करती हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. इन जनरल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर रिकोगनाइज बाई यूजीसी. यूजीसी एक्ट के अंदर जितनी पावर्स मिल सकती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को मिलती हैं, और इनको रिकोगनाइज कौन करता है, यूजीसी. यहाँ पे 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं MHRD के परव्यू में. अगर हम समझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं, MHRD को बोलते हैं, जिसमें से 16 न्यू हैं. बिल्कुल न्यू यूनिवर्सिटीज़ कौन है, 16 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं. ये इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट. ये याद हो गया, पार्लियामेंट का एक्ट कौन सा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट. 2009 में 16 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हुई थी एस्टैब्लिश. इग्नू न्यू दिल्ली में फाउंड की थी किसने, MHRD ने ही फाउंड की थी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर हैं सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के. क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में अगर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फाउंडर कौन है, कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वही नॉमिनेट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो कि उनकी कमिटीज़ में होंगे, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग, ताकि उनकी फंक्शनिंग अच्छे से हो सके. ही ऑल्सो एक्सरसाइज पावर इन वेरियस लीगल मैटर, बहुत सारे लीगल मैटर में भी उनकी पावर है किसकी, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की. एंड रेलिवेंट अमेंडमेंट्स भी वो कर सकते हैं. अगर हम स्टेट यूनियन टेरेटरी वाइज लिस्ट देखें यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो है ये वाली
तो ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट, एक क्लिक हेयर मैंने लिख दिया था, उसमें नहीं जाना, तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने नाम लिख दिया है। ये कौन कौन सी हैं, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं ब्लॉग में जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हम सीधा स्ट्रेट अवे आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा है किस में, वर्ल्ड में। हायर एजुकेशन सिस्टम अगर हम समझे तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है, हम प्रीवियस क्लास में भी समझ चुके हैं। और हमारा जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसमें से जो 10th प्लान था 2002-2007 वाला, यहाँ पे ट्रिमेंडस प्रेशर था कि नंबर्स ऑन दिस सिस्टम, प्रेशर्स ऑफ नंबर्स ऑफ इन सिस्टम एंड लार्ज नंबर ऑफ एडिशनल स्टूडेंट्स विल बी नॉकिंग एट डोर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कंट्री। यहाँ पे नए कॉलेजेस का चैलेंज था कि उनका मैनेजमेंट और रेगुलेशन अच्छे से देख सकें, और हमें सीरियस अटेंशन चाहिए कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस में और प्राइवेट सेक्टर में भी, और जो कि प्राइवेट सेक्टर अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, पब्लिक सेक्टर में भी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी, जो कि अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एज अ रिज़ल्ट जो पुराने स्ट्रक्चर था मैनेजमेंट का, जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले बनाया गया था और जो आज वर्क कर रहा है मोस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, अब उसको बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत आई। और वो चेंजेस हमने कहाँ निकाले, हमने कहा कि बहुत सारे चेंजेस करने हैं 10th 5 ईयर प्लान में। तो ये सब हमारा मैनेजमेंट को लेकर बहुत बड़ा चेंज हुआ। बेसाइड्स जो डिमांड थी सोसाइटी की कि इक्वालिटी होनी चाहिए, एकोमोडेशन होनी चाहिए, वो भुलाई नहीं जा सकती, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया। नए रिजाइम निकाले गए, WTO कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे इनकी कंपिटेंसी जो है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस बनाए गए, ठीक है। तो हम चाहते थे कि हमारी जो पॉलिसी है, प्लानिंग है, वो बहुत अच्छी बने और कंट्री हमारी आगे ग्रो करे, ठीक है। और ये सब हम ये वाली अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए इंडिया को, इसलिए इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्टेप लिया गया। कुछ 5 सबसेक्शंस हैं जो कवर करते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डेलिब्रेशन के, रिकमेंडेशंस के और एक्शन प्लान के। UGC गोल्डन जुबली सेमिनार हुआ था, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में किया गया था ये वाला सेमिनार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई थी हायर एजुकेशन के लिए एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट केरला में, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहे हैं हम, ये 5 सबसेक्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जब UGC की गोल्डन जुबली हुई थी तब ये रिकमेंडेशंस आई थी, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप हो हायर एजुकेशन में, गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन जम्मू कश्मीर, एक्सेस एंड इक्विटी इन हायर एजुकेशन, इक्विटी हो उसमें, ये छत्तीसगढ़ में बात हुई थी। एक्सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशन, पॉलिसी प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ हायर एजुकेशन, एनी हिल्स यूनिवर्सिटी, शिलोंग, मेघालय। इंडिया एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है, हम समझ चुके हैं। उन सभी के लिए जो चाहते हैं इंडिया में पढ़ें, उनके लिए सबसे मेन बात है कि उनका पता होना चाहिए उनको कि इंडिया कैसा है, इसका इन्वायरमेंट कैसा है और इसकी पॉपुलेशन कैसी है, यहाँ पे रहने सहने का ढंग कैसा है, फूड हैबिट कैसी है, ये सब पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी उनको फैसिलिटी मिलेंगी, तभी वो बाहर के जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंडिया में आकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है मेजर पॉलिसीज बनाने के लिए हायर एजुकेशन के लिए, वो प्रोवाइड करते हैं UGC को ग्रांट। कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और यही डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ को भी इस्टेब्लिश करते हैं। ये सब हम समझ चुके हैं, दोबारा आ रहे हैं पॉइंट्स। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए, ये प्रोवाइड करते हैं प्लान्स और ग्रांट्स यानी कि फंड्स, ताकि डेवलपमेंट हो। नॉन प्लान ग्रांट्स भी कभी कभी ये दे देते हैं ताकि वो मेंटेन करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को। फिर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब जो केब का क्या काम है, ये काम, इनका काम हम समझ चुके थे कि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है। UGC का क्या काम है हमें पता है, कोऑर्डिनेशन है, डिटर्मिनेशन मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स को, ये हम सब समझ चुके हैं। दोबारा आ रहे हैं पॉइंट्स। UGC अलोंग विथ CSIR आजकल
कंडक्ट करते हैं नेट सीएसआईआर किसके लिए, साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी इन्होंने कर दिया है कि अगर टीचर्स को ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएशन से पढ़ाना है तो उनका नेट ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं पढ़ा सकते। सबसे पहले वो नेट क्लियर करके आएँ। जुलाई 2009 के बाद ये कंपल्सरी हो गया है, ठीक है। जेआरएफ है फेलोशिप के लिए, अगर आपको रिसर्च वर्क करना है तो उसके लिए है मेनली। जो एक्रेडिटेशन फॉर हायर एजुकेशन लर्निंग ओवर यूनिवर्सिटीज़ की बात हम कर रहे थे, 15 ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं ये वाले, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनको याद कर लो, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है एग्ज़ाम में। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ थियोटिकल एजुकेशन ऑफ सीनेट ऑफ सहारनपुर कॉलेज, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर और वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवांटेज क्या है इंडिया में पढ़ने के, तो यहाँ पर कॉस्ट कम है इसलिए फॉरेन स्टूडेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे पढ़ने। क्वालिटी एजुकेशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, सेकंड नंबर पे आती है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस, यूनिक कोर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, संस्कृत, योगा, हिंदी, कुछ कोर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाहर के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत खुशी खुशी से ये कोर्सेज करते हैं। स्ट्रक्चर जो है अगर हम समझना चाहें तो 10+2 तक है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम से पहले का। सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं इसको, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। फिर फर्स्ट ईयर से लेकर जो डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री वो होती है बैचलर डिग्रीज, 3 ईयर्स की है ये स्टडी, जैसे कि लिबरल्स ऑफ आर्ट, कॉमर्स, बी कॉम वगैरह, ये सब 3 ईयर्स की। 4.5 कुछ केसेस में है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह के केसेस में। 5-6 ईयर्स भी लॉ के केस में हो जाती है ये बेसिक डिग्री की ईयर्स, ठीक है। फिर मास्टर प्रोग्राम्स 2 साल के हैं इंडिया में। रिसर्च डिग्री जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की है, जैसे कि डिपेंड करती है एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे कि अपनी रिसर्च वर्क वो कितनी देर तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 2 साल की है। एमफिल अगर हम समझे तो कम से कम मिनिमम है 1.6, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ्स, 1 साल 6 महीने है एमफिल की डिग्री, लेकिन ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक लटकाते हैं। पीएचडी की डिग्री भी 2 साल की है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है ये, 5-5 सालों तक लोगों की कंप्लीट हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। तो फिर डीएससी, डीलिट ये सब भी हैं जो कि अवार्ड करती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़। पीएचडी के बाद स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहते तो आगे की पढ़ाई भी है, 95 एज तक लोग पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ना है। इनके अलावा डिग्री प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में। हमने यहाँ पर समझा कि कौन कौन सी पढ़ाई इंडिया में होती है, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन का ओवरव्यू अगर हम लेना चाहते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इंडियन का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पीछे। स्किल्ड मैन पावर चाहिए आज की डेट में, स्किल्ड जो जिसके पास हाथ की काम करने की शक्ति है वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ये सब टेक्निकल में आता है। उसके बाद है 65 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन के, जैसे कि आईआईटी समझे तो 15 है, आईआईएम 7, आईआईएससी बेंगलोर में 1, और ये सब आप पढ़ सकते हैं, नेट एनआईटी 20, आईआईआईटी 40, एनआईटीटी TRs 4, और अदर अगर हम देखें SPA, ISMU, ये सब मिलाकर 9 हो जाते हैं, टोटल हो गए 65। इनके अलावा 4 बोर्ड्स भी हैं, बोर्ड्स मतलब बोर्ड ऑफ अपरेंटिसशिप ट्रेनिंग भी है इनके अलावा। MHRD फंडेड इंस्टीट्यूशंस, ये जो लेटेस्ट डाटा है ये वाला मैंने कलेक्ट किया है MHRD की वेबसाइट से, रिसेंटली लेटेस्ट वाला, इससे पहले अगर बुक्स में देखा होगा तो 65 आएगा, लेटेस्ट उनकी वेबसाइट से देखा है इसके अंदर 82 दिखा रहे हैं ये फ्रेंड्स, तो आप ये लेटेस्ट डाटा देख सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर के तरीके से ये काम आता है, इनको देखिए, ठीक है।
वही इनके अलावा 4 बोर्ड्स हैं यहाँ पर. सेंट्रल गवर्नमेंट ये वाली स्कीम्स भी चलाती हैं, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, और ये असिस्ट होती हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू. अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो ये आप बता देंगे, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंडेस्ट. देयर इज़ वन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको बोलते हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एट CIL अंडर मिनिस्ट्री. ये कौन सी है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. देर आर ऑल्सो अपेक्स काउंसिल्स, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे कि ये वाले अपेक्स काउंसिल्स की लिस्ट मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ. इंडिया के अंदर रहना कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये जनरल नॉलेज है, इसको UGC के एग्ज़ाम में इतना नहीं आएगा. ठीक है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, जनरल नॉलेज है ये. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक्ट लास्टली हम समझ रहे हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ये. इस्टैब्लिश कहाँ हुई थी? यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, और UGC एक्ट 1956 के अंडर MHRD के थ्रू. इस और इस चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, इनकी डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, ये पूरी डेफिनेशन है. और इनका पहले चेयरमैन कौन थे हमने देख लिया था, और VS चौहान इस इनकम्बेंट चेयरमैन है ये. इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है UGC का? दिल्ली में. और इनके इसके बाद दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाद 6 रीजनल सेंटर्स हैं, इनके बारे में भी हमने समझ लिया. ठीक है, UGC इज़ मॉडल्ड आफ्टर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी ऑफ UK. UK की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी उनको देखकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमने इंडिया वालों ने बनाई, जो कि एडवाइजरी कमेटी है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की ये वाली, और एडवाइस करती है डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट फंडिंग अमंग्स ब्रिटिश यूनिवर्सिटी. तो इनको देखकर हमारा इंडिया की UGC बनी. ठीक है, और ये वाली जो थी UK की, ये कमेटी आई थी एग्जिस्टेंस में थी 1919 से 1989 तक, लेकिन जो इंडिया की है वो अभी तक चल रही है. ठीक है, इस बात का समझ में आ गया. 1976 में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को कहा कि UGC का जो रिलेटेड ऑल इंडिया काउंसिल्स टेक्निकल एजुकेशन है उनको और UGC को शट डाउन कर दिया जाए, और UGC के बदले में इस नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च को लाया जाए. ये एक बिल के थ्रू उन्होंने कहा था कि इनका गोल था. हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 के अंदर उन्होंने ये सब कहा था. फिर उसके बाद क्या हुआ, वही ये वाली पावर्स उसको दे दी जाए, किसको? नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च को दे दी जाए UGC से हटा के. ठीक है, ये सारे UGC की पावर उनको देने की बात करी. फिर UGC ने क्या किया, फिर इस बिल ने, फिर ये बिल का क्या हुआ, ये बिल ने कहा कि UGC को अब्सॉर्ब कर लिया जाए, और दूसरी जो एजेंसीज है अकाडमिक एजेंसीज उनको भी नई ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाए इस बिल के अंदर. फिर ये सब डिसाइड हुआ था कि इनको मर्ज कर दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए. जो यूनिवर्सिटीज़ मेडिसिन से और लॉ से रिलेटेड है उनको इस मर्जन के बीच में ना लाया जाए, उनको इसमें ना लाया जाए, ये भी इस बिल में कहा था. फिर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए, जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है. फिर बिल जो है उसने बहुत सारा ऑपोजिशंस मिले उस बिल को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जर्नली अगर हम देखें तो ये ऑपोजिशंस कहाँ से मिले थे? बिहार, केरला, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की तरफ से. फिर उस बिल को थोड़ी जर्नल सपोर्ट मिल गई थी. उस जर्नल सपोर्ट के तहत क्या हुआ, बिल को में कहा गया कि जो 10 इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इमिडिएटली शट डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और उनके जो ऑफ कैंपसेस हैं उनको बंद कर दिया जाए. इसके तहत फिर क्या हुआ, दिसंबर 2015, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, दिसंबर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया, किसके अंदर? UGC के अंदर ही बनाया. फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रैंक किया सभी इंस्टीट्यूशंस को अप्रैल 2016 तक. इसके बाद UGC ने सुजेस्ट कर दिया सबको कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि अपना ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम बनाओ. UGC ने सुजेस्ट किया कि अपना ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम बनाओ. उसके बाद एकेडमिक सेशन जो था 2016 और 2017, बिल्कुल रीसेंट करंट अफेयर है ये, 2016 से 2017 में रिसेंटली
यूजीसी ने अब जो इतनी भी 22 फेक यूनिवर्सिटीज थी उनको रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया, जैसे कि 9 उत्तर प्रदेश से, 5 दिल्ली से और 2 वेस्ट बंगाल से और 1-1 बिहार, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा से। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर अगर हम समझे तो यूजीसी ने इस्टेब्लिश किया ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स विद इन यूनिवर्सिटी सिस्टम अंडर क्लॉज 12 CCC यूनिवर्सिटीज एंड के अंदर। ठीक है, अगर हम समझे कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर क्या होते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं कॉमन एडवांस सेंट्रलाइज फैसिलिटीज यूनिवर्सिटीज के लिए, जो कि इन्वेस्ट नहीं कर पाती ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। ये इनका मेन रोल है कि ऑफर करें बैक्स एक्सपर्टीज यानी कि एक्सपर्ट एडवाइस इन फील्ड टू टीचर्स एंड रिसर्चर्स अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में ये प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू रिसर्च एंड टीचिंग कम्युनिटी टू स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट एंड एक्सेलेंट लिबर्टी फैसिलिटी विच आर कंपेरेबल इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसलिए इसको क्या बोला गया कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनके ये स्टेप्स हैं जो कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। न्यूक्लियर साइंस सेंटर अगर हम देखें इंडिया में, वो आज उसको बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। ये पहला रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। आज के डेट में 6 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर हैं जो कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में काम कर रहे हैं, जैसे कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर जो दिल्ली में है, फिर उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में है, यूजीसी डीएई कंसोर्टियम साइंस रिसर्च के लिए ये इंदौर में है, इंफॉर्मेशन एंड लिबर्टी नेटवर्क अहमदाबाद में है, इनकी फुल फॉर्म या कुछ भी आ सकता है इसमें से, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन दिल्ली में है, नेशनल असिस्टेंस एंड एक्रेडिशन नेशनल असिस्टेंस एंड एक्रेडिशन काउंसिल बेंगलोर में है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन काकीनाडा में है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम देखना चाहें तो ये डाटा है जो लास्ट अपडेट हुआ था 3/14 मतलब कि 14 मार्च 2017 को, तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो, ये जो लिस्ट यहाँ पे है 46 में से कुछ 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में गिवन है अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि MHRD के अंडर नहीं आते लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उनको मानते हैं, तो वो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़, नालंदा यूनिवर्सिटी, MHRD के अंदर ये सब नहीं आते लेकिन इनको क्या बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के ग्रैंड कमीशन एक्ट को अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आज हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के सभी नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद कुछ बचेगा तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2006 से लेकर 17 तक, तो उसके अंदर साथ साथ मैं नोट्स बनाती रहूँगी और आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो नव क्लासेस देखते रहें, और अगर आपने अभी तक ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किया है फेसबुक ग्रुप तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेशन के लिए। ठीक है, PDF नोट्स चाहिए तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इन नोट्स का, यहीं पे मैं PDF नोट्स दे दूंगी भी के लिए, ये नोट्स से काम चला लीजिए, ये नोट्स रीड कर लीजिए, PDF नोट्स मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी 1-2 दिन में।